विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारियों ने दिया धरना। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के तत्वाधान में कर्मचारियों की लंबित मांगों के अविलंब निराकरण के लिए आज दोपहर में जिला कलेक्ट्रेट के निकट धरना दिया गया। महासंघ एकीकृत के प्रदेश प्रमुख महेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में चलाए जा रहे प्रांत व्यापी आंदोलन के तहत सांकेतिक धरना देकर मांग पत्र के समर्थन में समर्थन प्रदर्शन करते हुए महासंघ के जिला संयोजक और राजस्थान शिक्षक संघ सीआर राम के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। धरने में महासंघ से जुड़े राजस्थान शिक्षक संघ सीआर राम, अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ, राजस्थान राज्य नर्सिंग एसोसिएशन, व्यावसायिक प्रशिक्षक संघ, जलदाय कर्मचारी संघ, राजस्थान आंगनवाड़ी संघ सहित विभिन्न घटकों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के प्रदेश व्यापी आंदोलन के तहत संविदा निविदा ठेके प्रथा वाले अनियमित जितने भी कर्मचारी है, साथ ही जो नियमित कर्मचारी है, उनकी मांगों को लेकर संगठन द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है। आंदोलन के प्रथम चरण में हम महासंघ एकीकृत की ओर से सरकार का ध्यान नियमित और अनियमित कर्मचारियों की मांगों की तरफ आकृष्ट करने के लिए हम सांकेतिक धरना दे रहे हैं। ये धरने लगभग सभी जिला मुख्यालयों पर आयोजित किए जा रहे हैं। अगर इन धरनों के पश्चात भी सरकार द्वारा कर्मचारियों की मांगों को लेकर कोई सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया जाता है तो जनवरी माह के अंत में प्रदेश स्तर पर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और उस आंदोलन के माध्यम से हम सरकार को जो कर्मचारी जगत की जितनी भी मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए हम बाध्य करेंगे। मैं वीरेंद्र शर्मा, जिला संयोजक संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत भीलवाड़ा।